Hello students, last time we learnt about collection of data and its various types of data known as primary data and secondary data. Today we learnt methods of collecting primary data in details. If the investigator collects the data originally for the statistical inquiry, it is called primary data. But the collection of primary data is not an easy job. प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करना आसान नहीं है. It requires a lot of time, finance, energy, knowledge, experience and common sense. There are six methods to collect primary data. First method is direct personal investigation. सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से जो डाटा एकत्र किया जाता है उसको हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं. इट रिफर्स दैट अंडर दिस मेथड यानी इस विधि में द इन्वेस्टिगेटर पर्सनली स्टडीज द फेनोमेना इन हैंड एंड ऑब्टेन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन. जो इन्वेस्टिगेटर है आंकड़ों को एकत्रित करने वाला है वह स्वयं आंकड़ों को एकत्रित करता है, इसीलिए इसको फर्स्ट हैंड इन्वेस्टिगेशन कहते हैं या फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कहते हैं. इस विधि के दो मेरिट्स और दो डिमेरिट्स. मेरिट्स क्या हैं? नंबर वन, जनरल एक्यूरेसी. इस विधि से एकत्रित आंकड़ों में सामान्य शुद्धता होती है और मोर रिस्पांस. दूसरा है मोर रिस्पांस. इसके दो डिमेरिट्स, नॉट सुटेबल फॉर वास्ट जियोग्राफिकल स्प्रेड. विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है. दूसरा है कॉस्टली. इस विधि से आंकड़े एकत्रित करने में खर्च अधिक आता है. ये आपका पहला मेथड कंप्लीट हुआ. दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इसमें क्या, दिस मेथड इज used when the information required is complex and sensitive or there is reluctance or indifference on the part of the informant to give information. Under this method, instead of directly approach, सीधे तौर पर या प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित करने की जगह द इन्फॉर्मेंट्स द इन्वेस्टिगेटर इंटरव्यू सेवरल अदर पर्सन. जो इन्वेस्टिगेटर है अर्थात आंकड़ों को एकत्र करने वाला है वो कुछ प्रमुख लोगों से इंटरव्यू ले लेता है, जानकारी ले लेता है. हु आर डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली इन टच विद द इन्फॉर्मेशन मिशन साउट, जो सीधे या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूचनाओं से जुड़े होते हैं. इस विधि की दो मेरिट्स, वाइड कवरेज, विस्तृत क्षेत्र को कवर कर लेती है यह विधि. दूसरा है इकोनॉमिकल, बचत पूर्ण है अर्थात पहले मेथड की अपेक्षा इसमें कम खर्चा आता है. ये मेरिट क्या है, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन, जो सूचनाएं हैं वो सीधे तौर पर नहीं मिलती. नंबर दूसरी डिमेरिट्स है पर्सनल
पर्सनालिटी ऑफ बायस, पक्षपात होने का की संभावना रहती है। तीसरा मेथड है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस, स्थानीय स्रोतों से सूचना एकत्रित करना। अंडर दिस मेथड लोकल एजेंट्स पर्टिकुलरली नोन एज करेस्पॉन्डेंट्स आर अपॉइंटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एरिया फ्रॉम वेयर इंफॉर्मेशन इज टू बी कलेक्टेड। इस विधि में क्षेत्र में अलग अलग प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए जाते हैं और वो सूचनाओं को एकत्र करते हैं। जैसे आज आप समाचार पत्रों में देखते हैं कि बहुत सारे उनके रिपोर्टर्स होते हैं और वो सूचनाएं भेजते रहते हैं, ऐसे इस विधि में सूचनाएं लोकल सोर्स से एकत्रित की जाती हैं। मेरिट्स क्या है, यूजफुल फॉर वेस्ट एरिया, विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयोगी है, इकोनॉमिकल बचतपूर्ण है, डिमेरिट्स लैक ऑफ रिलायबिलिटी और दूसरा लैक ऑफ प्रिसिशन। ये मेथड किस क्षेत्र के लिए उपयोगी है, दिस मेथड इज इम्प्लाइड वेयर इंफॉर्मेशन इज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम वास्ट जियोग्राफिकल स्पेक्ट्रम। ये विधि विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट मेथड मेल क्वेश्चनियर मेथड। अंडर दिस मेथड अ क्वेश्चनियर कंटेनिंग अ नंबर ऑफ क्वेश्चन्स प्रिटेनिंग टू द इंक्वायरी इन हैंड इज प्रिपेयर्ड। इस विधि में जो इंप्लायर है अर्थात जिसको आपने एकत्रित करना है वो बहुत सारे क्वेश्चंस बनाता है। द क्वेश्चनियर इज देन सेंट टू द इंफॉर्मेंट बाय पोस्ट और फिर बाय पोस्ट या बाय ईमेल जिससे हमें सूचनाएं एकत्रित करनी है उसके पास सूचनाओं को प्रश्नों को भेज दिया जाता है और प्रश्नों से प्राप्त उत्तर के आधार पर सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। इस विधि की मेरिट्स है सिंपल एंड चीप, साधारण है और सस्ता है। दूसरी मेरिट्स है कलेक्शन ऑफ ओरिजिनल डाटा, सही डाटा प्राप्त होता है। डिमेरिट्स है लेस रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स कम आता है क्योंकि बहुत सारे लोग जो क्वेश्चन भेजा जाता है उसका उत्तर देना ठीक नहीं समझते अर्थात वो भेजते नहीं और लिमिटेड इसको इसका क्षेत्र सीमित है। सुटेबिलिटी क्या है, किसके लिए उपयोगी है, दिस मेथड कैन बी यूज्ड वेयर द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी वास्ट एंड द इन्वेस्टिगेटर वांट्स क्विक रिजल्ट एट ए लो कास्ट। ये उस प्रकार के आंकड़ों के लिए उपयोगी है जो विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं और इन्वेस्टिगेटर जल्दी रिस्पांस चाहता है और कम खर्च करना चाहता है। और ये आपका लास्ट पांचवा आया शेड्यूल्ड फील्ड वाइज इन्यूमरेटर। अंडर दिस मेथड इंस्टेड ऑफ मेलिंग, इस विधि में मेल भेजने के स्थान पर इट इज सेंड टू द इन्फॉर्मेंट थ्रू ट्रेन्ड इन्यूमरेटर्स, अपने सहायकों द्वारा इसको भेजा जाता है और जो सहायक हैं वे व्यक्तिगत फॉर्म फिल करा करके सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। मेरिट्स क्या है, ग्रेटर एक्यूरेसी, शुद्धता ज्यादा होती है, मोर यूजफुल फॉर इलिटरेट इन्फॉर्मेंट्स, ये अशिक्षितों के लिए ये विधि ज्यादा उपयोगी होती है। मेरिट्स क्या है, कास्टली मेथड अधिक खर्चीला है, स्किल कुल इन्यूमरेटर्स और इसको करने के लिए स्किल कुल इन्यूमरेटर्स की जरूरत होती है। लास्ट दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन एरिया टू बी कवर्ड इज वेरी वाइड, डाटा इज रिक्वायर्ड रेगुलरली एंड द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिजायर्ड इज नॉट वेरी हाई। लास्ट टेलीफोन इंटरव्यू एंड इन दिस मेथड एन इन्वेस्टिगेटर कैन ऑल्सो कलेक्ट स्टेटिकल इंफॉर्मेशन ओवर टेलीफोन, फोन के द्वारा वो सूचनाओं को एकत्रित करता है फ्रॉम द इंफॉर्मेंट। इट इज अ क्वाइट लेटर एंड क्विक रिजल्ट एल्डिंग टेलीफोन। इन दिस टेक्निक
Investigator asks some questions to the informant on telephone. He can repeat his telephone calls to some other informants for collecting required information. इधर से क्या करता है, वो अलग अलग लोगों से फोन द्वारा सूचनाओं को एकत्रित करता है. मेरिट क्या है, इट इज अ चीपर टेलीफोन टेक्निक, चीपर टेक्निक फॉर कलेक्टिंग रिक्वायर्ड डाटा. नंबर टू, इट प्रोवाइड्स क्विक रिजल्ट इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. डिमेरिट क्या है, सच एन इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम दोज हु डू नॉट ओन ए टेलीफोन, जिनके पास टेलीफोन नहीं है उनसे सूचना एकत्रित करना संभव नहीं है. इट कैन नॉट रिकॉर्ड द विजुअल रिएक्शन ऑफ द इंफॉर्मर. एक अगली हेडिंग आपका है सिलेक्शन ऑफ ए सुटेबल मेथड्स. एक उपयुक्त मेथड को चुनना, इसमें क्या सिलेक्शन ऑफ ए मेथड्स डिपेंड्स अपॉन ए नंबर ऑफ कंसिडरेशन लाइक नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑब्जेक्ट ऑफ स्कोप ऑफ इंक्वायरी, फाइनेंशियल रिसोर्स, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, डिजायर्ड एंड टाइम फैक्टर. इफ द इंक्वायरी कंसर्न इज लिमिटेड इन स्कोप एंड पर्सनल कॉन्टेक्ट विद द इंफॉर्मेंट इज नेसेसरी, देन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड कैन एक्यूरेट रिजल्ट. सिमिलरली इफ द इंफॉर्मेशन आर लिटरेट इंफॉर्मेंट्स आर लिटरेट इंफॉर्मेशन कैन बी सॉल्व बाई पोस्टिंग द क्वेश्चनेरियर. ऑन द अदर हैंड इफ दे आर इलिटरेट क्वेश्चनेयर्स विद द इन्वेटर कैन बी सेंट सो एज टू सी करेक्ट इंफॉर्मेशन. इफ द स्कोप ऑफ इंक्वायरी इज वास्ट इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड थ्रू करेस्पॉन्डेंट. सिमिलरली इफ funds are available in sufficient and large quantity, direct investigation of collection of data through enumerators can be sought. On the other hand, if the availability of funds is low, mailing the questionnaires method will be most suitable. अर्थात हम आंकड़ों को किस मेथड का प्रयोग करें, यह उस सूचना के जो टाइम नेचर है इन्वेस्टिगेशन का, उस पर जो उसके ऑब्जेक्ट हैं, जो उसका स्कोप है, जो फाइनेंशियल रिसोर्स है, जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है, इन सारी बातों को ध्यान में रख करके हम कब किस मेथड का उपयोग करें ये संभव होता है. आज आपको इतना ही, इससे संबंधित क्वेश्चंस बनाएंगे, लिखेंगे. नेक्स्ट टाइम पर हम क्वेश्चनेयर शेड्यूल के बारे में अध्ययन करेंगे. थैंक यू.